का एक दिवसीय विशाल धरना, नौ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। यूपी के कानपुर में जिला मजदूर यूनियन आज निर्माणी के मुख्य द्वार पर टीसीएल ग्रुप को ओटी एरियर का बजट प्राप्त होने के बावजूद मजदूरों को एरियर का भुगतान ना किए जाने के कारण निर्माणी के समस्त कर्मचारीगण अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष HL तिवारी ने बताया है कि निर्माणी को लगभग 650 करोड़ का टारगेट प्राप्त होने के बावजूद कर्मचारियों को समय से काम की आपूर्ति नहीं की जा रही थी और ठेकेदार द्वारा उत्पाद बनवाकर गुणवत्ता प्रभावित करना, निर्माणी प्रशासन द्वारा नए उत्पादों की टाइम स्टडी भी नहीं करवाई गई, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाले सभी वेजेस माइनस में हैं और कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। निर्माणी के अंदर बिल्डिंगों की जर्जर हालत में सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर आंदोलनरत हुए हैं कर्मचारी। HL तिवारी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश इंटक का महामंत्री। आज हमारी यहाँ किला मजदूर यूनियन है और बहुत ही स्ट्रांग यूनियन है, हर जगह खड़ी रहती है। जहाँ भ्रष्टाचार हुआ, जहाँ मजदूरों का कोई दलन हुआ, मजदूरों का नुकसान हुआ, मजदूरों को फायदे के लिए हर जगह हमारी यूनियन खड़ी रहती है। आज का ये धरना प्रदर्शन दो तीन महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक तो ओटी एरियर पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं। वो कर्मचारियों का हक है, कोई कर्मचारी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, उसको इनको तुरंत अविलंब पेमेंट होना चाहिए। दूसरा, ये ओल्ड पेंशन स्कीम है, हम लोगों की मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही होनी चाहिए। गवर्नमेंट छलावा करने के लिए नई नई बातें बता के और दो चार चाटकारों को इकट्ठा करके उनसे कि हम वो ये यूनाइटेड पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, यूनाइटेड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से कुछ जगह पर खराब है। हमने सबका एनालिसिस किया है, हमारी हम खराब ही है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी रह रहे हैं, वही हमको हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए, जिसके लिए बराबर हम लोग निरंतर प्रयास नेशनल लेवल पर रामलीला मैदान में भी बहुत बड़ी रैली किया था और हर जगह हर गेट पर हिंदुस्तान की जब मांग होती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम की ही मांग होती है सबसे पहले। दूसरा चीज, मजदूरों की मूलभूत समस्याओं को नहीं प्रशासन जीएम प्रशासन ध्यान दे रहा है। जैसे कॉलोनियों की स्थिति बहुत ही खराब है, जर्जर अवस्था में हम तो देखने गए थे, यहाँ सुभाष कॉलोनी हुई और भी रेत कोर्ट के पास में जो कुल कॉलोनी हुई, ये सब कॉलोनी की स्थिति इतनी खराब है कि अंदर आप जा नहीं सकते, उसमें बेचारों को रहना पड़ रहा है, हमारे मजदूर भाइयों को, तो उस पर इनका ध्यान देना चाहिए। ये दो तीन बहुत और भी तमाम हमने पंपलेट हमारी यूनियन ने निकाला है, और भी तमाम समस्याएँ हैं जो कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, तो मजबूर होके हमारी यूनियन ने यहाँ पर धरना का प्रबंध किया गया है, जो हम लोग इसके माध्यम से आज अपनी बातों को उजागर कर रहे हैं। आगे नेशनल लेवल पर भी हम ले जाएंगे इसको और वहाँ भी किया जाएगा। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट।